हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी वीडियो होएगी खजूरी चोटी पे, जो मैंने बनाई है वेरी 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 रिक्वेस्टेड वीडियो, जो मुझे रिक्वेस्ट की गई है। इन्होंने मुझे बहुत बार इन्होंने रिक्वेस्ट की गई है, मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट की गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी रिक्वेस्ट आई है खजूरी चोटी के ऊपर। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करी है कि खजूरी चोटी या फिश टेल ब्रेड कह सकते हैं, वो किस तरीके से बनती है। तो इससे ज़्यादा इजी मेथड आपको कोई नहीं बता सकता। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं और ऐसी वीडियो बना सकूँ। तो आपको और भी ब्रेड को सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो का कमेंट रीड करती हूँ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट माय खजूरी चोटी की वीडियो। जो मैं आपको ब्रेड बनाने वाली हूँ वो मैं वन साइड पे बनाऊंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्रंट आपका अच्छा सा लगना चाहिए। तो उसके लिए आप फ्रंट पे कोई अपना कोई भी हेयर स्टाइल या पफ बना सकते हैं या ट्विस्ट बना सकते हैं। तो मैं इजीली एक ट्विस्ट बना लेती हूँ फ्रंट से। आपको ऐसे दो सेक्शन लेने हैं, ऐसे इसको क्रॉस कर दीजिए। इसमें आपको बाल कलेक्ट करके इसके अंदर से क्रॉस करना है ऐसे। अब इसको आपने फिर से बाल कलेक्ट करने, इससे क्रॉस करवा के ऐसे फ्लिप कर दीजिए। आपको ये बहुत ही इजीली करना है। आप इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से ओपन कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम वाला आपको फ्रंट लगे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको ट्विस्ट करके यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए। दैट्स इट, आपका फ्रंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको अपने ये साइड वाले बालों को अपने इस साइड को लेके आना है ऐसे। अब आप सारे बाल इधर लेके आ जाएंगे अपने ऐसे करके। तो खजूरी चोटी आपकी बहुत ही ज्यादा इजी होती है, आपकी नॉर्मल जो चोटी है उनसे तो नॉर्मल से ज्यादा इजी रहती है। अब आप देखेंगे कि आपको ऐसे सेक्शन लेना है, आप रबड़ लगा लें अगर आप बिगनर हैं, आप ट्राई कर रहे हैं तो। आप सिंपल है, आप पहले रबड़ लगा लें ताकि आपके बाल थोड़े से खुले ना हो। तो आप देखेंगे कि आपको अपने सेक्शन ऐसे दो में डिवाइड करना है खजूरी चोटी के लिए, ऐसे दो सेक्शन सिंपल। अब आपको करना है क्या है, आपको यहां से बाल कलेक्ट करने हैं फ्रंट से। अब आपको करना क्या है, आपको यहां से बाल लेने हैं जो आपके गर्दन पे है ना बाल, ये वाले। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, रिवर्सल भी और फ्रंट से भी। तो मैं आपको फ्रंट से बताना बता रही हूं। तो आपके जो आपके नेक पे बाल है इधर की साइड, आप यहां से भी कर सकते हैं पीछे की साइड, और यहां से कर सकते हैं आप आगे की साइड। तो आप यहां से बाल कलेक्ट करेंगे और आपके ये वाले बालों में मिलाएंगे ऐसे। आप इधर जाके पकड़ लीजिए, अब आपका ऐसे हो जाएगा। तो अब आप इसको छोड़ दीजिए, ये वाला सेक्शन पकड़ लीजिए, ये छोड़ दीजिए। अब आप यहां से बाल लीजिए ऐसे पीछे से, और ये वाले बालों में मिला दो ऐसे। तो ये आपका एक ग्रिप बन जाएगी ऐसे बालों की। अब आपको ये सेक्शन रिपीट करना है सारे सेक्शन में। आपको यहां से बाल लेने हैं और आपको इस वाले सेक्शन में पकड़ लेना है ऐसे करके। अब आपको छोड़ देना है ये वाला सेक्शन, यहां से बाल कलेक्ट कीजिए और आप इस वाले सेक्शन में पकड़ लीजिए यहां पे। आपको ये रिपीट करते रहना है, आपको यहां से बाल कलेक्ट करने हैं और इस वाले सेक्शन में मिला दीजिए ऐसे। अब आप इसको पकड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहां से बाल लीजिए थोड़े से ऐसे। अब इस वाले सेक्शन में जो आपने पकड़ा हुआ है इस हाथ में, आप इधर मिला लीजिए।
आपको नॉर्मली जिगजैग करते हुए जाना है। इसमें आपको टू सेक्शन लेने हैं, इतना मतलब आपको क्लियर है। अब आपको अगेन यहाँ से सेक्शन कलेक्ट करना है और आपको इस वाले सेक्शन में मिला देना है ऐसे। अब आप यहाँ से सेक्शन लेंगे और आप इस वाले बालों में मिला देंगे ऐसे। ये आपको रिपीट करते रहना। आप यहाँ से बाल लें थोड़े से ऐसे, अब आप इस वाले बालों में पकड़ लें यहाँ पे जाके ऐसे। अब आप इसको पकड़ें, इसको छोड़ दें, क्योंकि बहुत अगर आप बिगिनर्स हैं तो होल्ड आपका करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप ऐसे ही करें, आप एक सेक्शन छोड़े और एक पकड़े, आप ऐसे सेक्शन लीजिए। स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेंगे तो आपकी ब्रेड ज़्यादा प्यारी लगेगी। आपने ऐसे सेक्शन ले लिया, अब ये वाले बालों में आप इधर पकड़ लीजिए ऐसे। अब इसको पकड़ लें और इसको छोड़ दें। अब आप यहाँ से अपने गर्दन की साइड से जो आपके हेयर हैं, जो आपकी बॉडी पर टच है, आप उधर से कॉर्नर से बाल कलेक्ट करें ऐसे, और इधर उधर इधर वाले सेक्शन में आप पकड़ लें ऐसे करके। फिर आप इसको ऐसे खींच के रखें ताकि एक होल्ड बना रहे आपके बालों में। अब आप यहाँ से सेक्शन लें अगेन और इस वाले में मर्ज कर दीजिए इधर वाले में। अब आप इधर से बाल लीजिए हल्के से और आप इधर पकड़ लीजिए। तो यही आपकी फिस्टल ब्रेड होती है, यही आपकी खजूरी चोटी होती है। ऐसे लीजिए, इसमें मिला दीजिए। ये सेक्शन आप ऐसे रिपीट करते रहें ऐसे। तो आपको फ्रंट, आपको स्टार्टिंग में आपका ब्रेड जो बनेगी आपको लगेगा, नहीं लगेगा कि कुछ बन रहा है, लेकिन जब एंड आपका मिडल तक आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा आपकी ब्रेड का लुक आ जाता है। आपकी जो थ्री स्टैंड ब्रेड होती है, जो आप नॉर्मल चोटीज बनाते हैं, गर्ल्स बनाती हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट और प्यारी भी लगती है। अब ऐसे उधर पकड़ लें, ऐसे सेक्शन लें, इधर वाले सेक्शन में पकड़ लें, फिर ये वाला सेक्शन पकड़ें, ये वाला छोड़ दें ऐसे लें। आप देखेंगे मैंने अपने वीडियोस में एक स्पेशल वीडियो बनाई है फिस्टल ब्रेड पे, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग तरीके से मैंने फिस्टल बनाना बताई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये खजूरी चोटी बैक से कैसे लगती है अगर आप पीछे से इसको बनाएंगे। अभी मैंने साइड से बनाई थी, अब मैं आपको बैक से बना के दिखाऊंगी कि आप इसको बैक से भी बहुत इजी वे में बना सकते हैं। आपका मेथड सेम होएगा, आपको टू सेक्शन डिवाइड करने हैं ऐसे। अब आपको वन साइड को छोड़ना है और एक साइड को पकड़ना है। आप ऐसे कलेक्ट किए हेयर,
दूसरी साइड लेके जाएं और उसको पकड़ लें, सिंपल। अब आप ये वाले सेक्शन को पकड़ें और ये वाले को छोड़ दें, इधर से थोड़े से हेयर लिए फ्रंट से कान के पीछे से और उधर वाले सेक्शन में पकड़ लें। अब ये आपका ये फर्स्ट स्टेप रेडी है। अब आपको सेम ये रिपीट करते रहना, आपको कान के इधर से बाल लेने हैं, दूसरे वाले हाथ में जो आपने बाल पकड़े हुए हैं उस पर पकड़ लें और एक को छोड़ दें। अब फिर इस वाले साइड से बाल लें, उस वाले हैंड पे जो आपने मुट्ठी बांधी है बालों की उसको मिला लें, फिर यहाँ से थोड़े से सेक्शन लें और आप उधर वाले हैंड में इसको पकड़ लें। जो आपने अभी साइड ब्रेड पे मेथड यूज़ किया, आप वही मेथड से ये वाली साइड से भी बनाएंगे। ये वाली साइड से थोड़ा बैक से वीडियो बना, ये चोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाथ दर्द होने लग जाते हैं ऐसे बनाते हुए, लेकिन ये लुक में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आपको अगेन ये करना है, इधर से थोड़े से सेक्शन लेना है, उस वाले साइड में मिला दीजिए। आपको इधर वाली साइड से हेयर लेने हैं, उस वाले हैंड में मिला देना है। तो आपको नॉर्मली zigzag सिचुएशंस में अपने बालों को लेके जाना है इधर से उधर, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही बारीक सेक्शन लेने हैं। मोटे मोटे सेक्शन लेंगे तो लुक थोड़ी सी मैसी सी आती है, तो आपको ऐसे पतले पतले सेक्शन लेने हैं। आपको लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करते हुए अपने बालों को लेके जाना है, इधर से उधर, उधर से इधर। दैट्स इट, आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है ये। इधर से थोड़े से हेयर कलेक्ट करें, उस वाले बालों में मिला दिए, फिर एक सेक्शन को छोड़ दिया, फिर उसमें बाल कलेक्ट करें, फिर उधर वाले हैंड में पकड़ लिए और इस सेक्शन को एज इट इज़ ऐसे रखा। अब आपका ये पूरी चोटी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मेरे बाल पतले हैं, थिन हैं, इस करके ये चोटी का लुक कुछ इस तरीके से आया है। आई होप जितनों ने भी मुझे खजूरी चोटी पे रिक्वेस्ट की थी उनकी ये रिक्वेस्ट मैंने कंप्लीट की है। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, इससे ज़्यादा इजी मेथड आपका जो है वो आप मेरी फिश टेल ब्रेड में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।